करते हैं। गुलाबी नगरी में महिलाओं के साथ आए दिन होने वाली आपराधिक घटनाएं अब आम बात हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में शहर की महिलाओं और युवतियों पर डर और सुरक्षा के अभाव का साया मंडरा रहा है। शहर में एक बार फिर से ऑपरेशन गरिमा लागू करने की मांग शुरू हो गई है। राज्य सरकार और जयपुर कमिश्नरेट के लाख दावों के बावजूद जयपुर में महिलाओं की मौजूदा स्थिति किसी से छुपी नहीं है। हर दिन महिलाओं के साथ चेन स्नेचिंग, छेड़छाड़ या लूटपाट की खबरें जरूर आती हैं। ऐसे में अपनी और अपने अधिकारों की सुरक्षा का एकमात्र जरिया ऑपरेशन गरिमा दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि कुछ साल पहले चलाए गए इस ऑपरेशन के बाद से ऐसी घटनाओं में काफी कमी आई थी। बिल्कुल सेफ्टी नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी की बात ले लीजिए, यहाँ पे भी हम लोग जाते हैं तो काफी लड़के छेड़खानी करते हैं और काफी कमेंट्स पास करते हैं, तो आई थिंक ये बिल्कुल सेफ नहीं है गर्ल्स के लिए। पढ़ने में आज हम 2 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। शहर की बात करें तो हाँ ठीक है, आज एक टाइम बीन कुछ कई जगह सेफ नहीं है, बाकी अभी जयपुर का मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा माहौल खराब हुआ है एज कम्पेयर टू बिग सिटीज, बट हाँ माहौल अभी खराब है। आई थिंक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो कम से कम एटलीस्ट इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में कम से कम 2-3 लेडीज ऑफिसर्स को तो अपॉइंट करना चाहिए जो 24 घंटे यहाँ पे अवेलेबल मिल रहे, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिपार्टमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगी होगी डेफिनेटली। ऑपरेशन गरिमा के तहत हर स्कूल और कॉलेज के पास पुलिस कर्मचारी मौजूद रहते थे। अब पुलिस के डर से ही सही लेकिन मनचलों के हरकतों पर लगाम लग गया था। राजनीतिक पार्टियां भी महिलाओं की इस मांग से सहमति जताते हुए कहती हैं कि महिलाओं के खिलाफ मौजूदा समय में होने वाले अपराध की बारंबारता वाकई गंभीर है। सवाल कमिश्नरेट प्रणाली पर भी उठ रहे हैं। बड़े धूमधाम से सरकार घोषणाओं की मतलब योजनाओं की घोषणा तो करती है, पर ऐसे मृत्यु होती है जैसे उनकी घोषणाओं में, क्योंकि गरिमा ऑपरेशन जरूर शुरू हुआ, पुलिस कमिश्नरेट की बहुत ढोलबाजी से आगाज किया गया, लेकिन हालात ये है कि राजस्थान के राजधानी जयपुर में आज न महिलाएं सुरक्षित है न आम आदमी सुरक्षित है। कमिश्नर को ताकत पे ताकत मिलती जा रही है, परंतु कमिश्नर साहब के आने से मुझे तो जयपुर में या जोधपुर में जहां जहां ये प्रणाली लागू हुई वहां मुझे लगे हालत और भी बदतर हो गए। राह चलते अपराधों पर तो इससे बहुत हद तक लगाम लग सकता है, लेकिन सिर्फ इसी से महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर लगाम नहीं लग सकता। जब तक कि ऐसे बदमाशों के मन में पूरी तरह से खौफ न पैदा हो जाए, उनके लिए कड़ी सजा का प्रावधान न हो जाए। गौरव शुक्ला, सहारा न्यूज ब्यूरो, जयपुर।